आज एक और धोखा जेके बोस का आया सामने। मोदी साहब के नाम की स्कॉलरशिप के नाम से किया गया बच्ची के साथ। बच्ची का नाम अंजलि देवी है, मदर का नाम आशा देवी है, फादर का नाम श्यामलाल है, रोल नंबर इसका 16000491, 16000491, रजिस्ट्रेशन नंबर है इसका 19600150058500001, डेट ऑफ बर्थ है इसकी 16/4/2005। आप ही चेक कर सकते हैं, ये बच्ची आज भी नेट में पास है। बोर्ड में रजिस्टर चेक किया गया जहां पे पूरे बच्चों की लिस्ट आती है पास की, उस लिस्ट में भी इस बच्ची का पास है। तो किस बेस पे ये इंसान इसको फोन करके बोलता है कि स्कॉलरशिप के बहाने आइए, स्कॉलरशिप के बहाने बुलाया गया और बच्ची को मार्गलिस्ट ओरिजिनल ले ली गई। फोटो स्टेट मार्गलिस्ट हमारे पास पड़ी हुई है, ये आज के नेट की रिपोर्ट है, ये बच्ची पास है। तो मैं पहली बार ये सुन रहा हूँ कि बच्ची पास की हुई फेल कर दी गई। क्या इनका कसूर ये है कि ये गरीब परिवार के बच्चे? हमें कॉल आई तो उसमें उठाया, तो उन्होंने बोला कि आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है और आप उसमें बोर्ड में आइए। और हम बोर्ड में जाते हैं और हमें बिठाते हैं, बोलते हैं कि अपने मार्क लिस्ट दिखाओ। हमने अपनी मार्क लिस्ट दिखाई, उन्होंने बोला कि मार्क लिस्ट देख के बोलते हैं कि आपका एक सब्जेक्ट फेल है, आप फेल हो और आप घर जाओ। तो जबकि ये मार्क लिस्ट पड़ी हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं, आज भी ये आज कल रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है, ये आज की नेट से निकाली गई, आज भी दोनों पेपरों में पास है, इंग्लिश में और सोशल स्टडी में दोनों में पास है। यानी कि अगर दो में पास है तो सब में पास है एक, और दूसरा ये मार्क लिस्ट है इसकी, ये मार्क लिस्ट में भी आप देख सकते हैं, ये मार्क लिस्ट में भी पास है, जो मार्क लिस्ट को दी गई थी स्कूल की तरफ से और 15 दिन के बाद। तो आप समझ सकते हैं एक महीने के बाद ऐसा क्या हो गया कि यहां से पता चलता है एलजी साहब कि आपका जेके बोस क्या काम कर रहा है और जेके बोस में कैसे कैसे एम्प्लॉय, जेके बोस के एम्प्लॉय एक नंबर के करप्ट एम्प्लॉयज हैं। मैं कहता हूं ऐसे लोगों को सस्पेंड करना चाहिए जो बच्चियों की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह कई बच्चे ऐसे होंगे, कई माँ बाप ऐसे होंगे जिन बच्चों को फेल कर दिया गया, और मैक्सिमम जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों को फेल किया गया। जब आप गवर्नमेंट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर ही नहीं पाए, आप किसी तरह उसको सफल कर नहीं पाए, आप किस तरह बच्चों को फेल कर रहे हैं, बच्चों को पास करके भी फेल कर रहे हैं। क्या इसलिए कि इनके माँ बाप बोल नहीं सकते, माँ बाप रोडों में नहीं आ सकते, माँ बाप आवाज नहीं उठा सकते? तो इसलिए ये बहुत ही गलत हो रहा है एलजी साहब। ये जेके बोस के एम्प्लॉय जो भी आपने कमेटी बनाई थी, जिन्होंने ये रिजल्ट बनाया है, उनको टोटल मैं कहता हूं उनको उसी टाइम सस्पेंड नहीं, डिसमिस कर देता हूं रोल नंबर, ताकि आप पब्लिक भी नेट से इसका नंबर निकालें, आपको पता चल जाएगा मार्क लिस्ट में पास, नेट में पास, बोर्ड के रजिस्टर में पास, और फिर बोला जाता है इस आदमी फोन करने के 94196 04196 06382 ये नंबर है, इस नंबर से कॉल आती है बोर्ड से, इसको बुलाया जाता है और बोला जाता है आप फेल हो। प्रेसिडेंट पेरेंट एसोसिएशन जम्मू, आज एक और धोखा जेके बोस का आया सामने। मोदी साहब के नाम की स्कॉलरशिप के नाम से किया गया बच्ची के साथ धोखा। वो क्या धोखा है मैं आपको आज समझाता हूं। देखिए, एक अंजलि देवी नाम की लड़की है, ये जेके बोस 10th क्लास के बोर्ड के पेपर दिए इसने। आप सबको याद है कि ये जो रिजल्ट निकला था, ये 6 तारीख को निकला था, 29/6 को ये रिजल्ट निकला था 10th क्लास की बच्ची, उसमें ये अंजलि देवी नाम की बच्ची जो है वो पास की गई हुई है, दोनों सब्जेक्ट में ये पास है। तो इस बच्ची जब ये पास हो गई, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा बच्चा जब 10th में पास होता है पहली बार, तो कितने माँ बाप को दिल में एक वो होता है कि आप मेरा बच्चा आगे बढ़ गया। तो इस माँ बाप ने खुशियां मनाई, ये गरीब फैमिली है, गरीब परिवार है, इस माँ बाप ने खुशियां मनाई, ये बच्ची स्कूल्स में गई, स्कूल में इसने मिठाई वगैरह बांटी, स्कूल्स में 15 दिन के बाद इसको मार्क लिस्ट दी गई। ध्यान से सुनिएगा, इस बच्ची को मार्क लिस्ट दी गई पास की कि बेटा आप पास हो। बच्ची अपनी खुशी कायम रही, इनकी फैमिली अपने पार्टी शार्टी जो भी था घर में, जो छोटा मोटा होता है फैमिली रिश्तेदारों के साथ, वो चलता रहा। इस बच्ची ने सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन भी दे दी कि मैंने 11th में एडमिशन लेनी है, और 11th की ऑनलाइन क्लासेस भी ये चल रही थी, जब सर्टिफिकेट भी इसको परसों मिलने वाला है। लेकिन एक महीने के बाद बोर्ड से एक कॉल आती है, आप ध्यान से सुनिए, बोर्ड से एक कॉल आती है, जेके बोस बोर्ड से एक कॉल आती है। वो किस नंबर से कॉल आती है? 94196 06382 94196
06382 इस नंबर से कॉल आती है इस बच्ची को, इस बच्ची को कहा जाता है बेटा मोदी साहब के स्कीम एक आई है स्कॉलरशिप की, एक स्कीम आई है स्कॉलरशिप की, तो आप स्कूल में बोर्ड में आइए, आपका फॉर्म फिल करवाना है हमने, आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये दिया जाएगा। तो यही नंबर मैंने इनको दे दिया। तो कहने का मतलब है जब ये उनके पापा हैं, इनके पापा और बेटी जाते हैं बोर्ड में, तो बोर्ड में एक सरदार जी होते हैं, वो इंचार्ज है कहीं उस बोर्ड में, उस जो भी जिस नंबर से कॉल आई है उन्होंने इनको बिठाया और बोला कि आप मांग लिस्ट बताइए। जब मांग लिस्ट उनसे ले ली गई उसके बाद कोई फॉर्म नहीं फिल किया गया, कोई कुछ नहीं किया गया और बोला गया कि आपकी बच्ची फेल है। मैं आपको पूछना चाहता हूं ये कहां का, आज भी जब नेट से निकाला, पहले ये जब मेरे पास आए इन्होंने मेरा नेट में नंबर देखा, जब मैंने नेट से निकाला, मैं नेट में पहले चेक किया कि यार बच्ची ये फेल है या पास है, आज भी जब नेट से निकाला ये बच्ची पास है। आज भी मैं आपको भी कहना चाहता हूं जो भी ये पब्लिक देख रही है, इस बच्ची का नाम अंजलि देवी है, मदर का नाम आशा देवी है, फादर का नाम श्यामलाल है, रोल नंबर इसका 16000491, रजिस्ट्रेशन नंबर है इसका 19600150058500001, डेट ऑफ बर्थ है इसकी 16/4/2005। आप भी चेक कर सकते हैं ये बच्ची आज भी नेट में पास है। और तो और ये बोर्ड में इन्होंने अपने लिंक्स के साथ बोर्ड में कोई इनके बाकअप कार्ड लगे हुए थे, तो इनको बोर्ड में रजिस्टर चेक किया गया जहां पे पूरे बच्चों की लिस्ट आती है पास की, उस लिस्ट में भी इस बच्ची का पास है। तो किस बेस पे ये इंसान इसको फोन करके बोलता है कि स्कॉलरशिप के बहाने आइए, स्कॉलरशिप के बहाने बुलाया गया और बच्ची को मांग लिस्ट ओरिजिनल ले ली गई, फोटो स्टेट मांग लिस्ट हमारे पास पड़ी हुई है, ये आज के नेट की रिपोर्ट है, ये बच्ची पास है। तो मैं पहली बार ये सुन रहा हूं कि बच्ची पास की हुई फेल कर दी गई, क्या इनका कसूर ये है कि ये गरीब परिवार का बच्चा है? अब इस बच्ची का मुझसे सुनिए इसके साथ क्या हुआ बेटा बताओ। पहले हमें परसों कॉल आई, उसमें दिखाया, उन्होंने बोला कि आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है और आप उसमें बोर्ड में आइए, और हम बोर्ड में जाते हैं और हमें बिठाते हैं, बोलते हैं कि अपने मार्क लिस्ट दिखाओ, हमने अपनी मार्क लिस्ट दिखाई, उन्होंने बोला कि मार्क लिस्ट देख के बोलते हैं कि आपका एक सब्जेक्ट फेल है, आप फेल हो और आप घर जाओ। तो जबकि ये मार्क लिस्ट पड़ी हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं, आज भी ये आज कल रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है, ये आज की नेट से निकाली गई, आज भी दोनों पेपरों में पास है, इंग्लिश में और सोशल स्टडी में दोनों में पास है, यानी कि अगर दो में पास है तो सब में पास है एक, और दूसरा ये मार्क लिस्ट है इसकी, ये मार्क लिस्ट में भी आप देख सकते हैं, ये मार्क लिस्ट में भी पास है जो मार्क लिस्ट को दी गई थी स्कूल की तरफ से, और 15 दिन के बाद। तो आप समझ सकते हैं 1 महीने के बाद ऐसा क्या हो गया कि जहां से पता चलता है एलजी साहब कि आपका जेके बोस क्या काम कर रहा है और जेके बोस में कैसे कैसे इंप्लॉयज आपने बिठाए हुए हैं, जेके बोस के इंप्लॉयज एक नंबर के करप्ट इंप्लॉयज हैं। मैं कहता हूं ऐसे लोगों को सस्पेंड करना चाहिए जो बच्चियों की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह कई बच्चे ऐसे होंगे, कई माँ बाप ऐसे होंगे जिन बच्चों को फेल कर दिया गया, और मैक्सिमम जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों को फेल किया जा रहा है। आखिर ये चल क्या रहा है? जब आप गवर्नमेंट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर ही नहीं पाए, आप किसी तरह उसको सफल कर नहीं पाए, आप किस तरह बच्चों को फेल कर रहे हैं, बच्चों को पास करके भी फेल कर रहे हैं? क्या इसलिए कि इनके माँ बाप बोल नहीं सकते, माँ बाप रोडों पे नहीं आ सकते, माँ बाप आवाज नहीं उठा सकते? तो इसलिए ये बहुत ही गलत हो रहा है एलजी साहब, ये जेके बोस के एम्प्लॉयज जो भी आपने कमेटी बनाई थी जिन्होंने ये रिजल्ट बनाया है उनको टोटल मैं कहता हूं उनको उसी टाइम सस्पेंड नहीं डिसमिस कर दिया जाना चाहिए। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है कि आप 1 महीने के बाद बच्ची को बोल रहे हैं पास करके बच्ची फेल है, और आज भी नेट से। मैंने फिर कहा अब मैं आपको फिर नेट का नंबर देना, इसका नंबर देना चाहता हूं रोल नंबर, ताकि आप पब्लिक भी नेट से इसका नंबर निकाले, आपको पता चल जाएगा मार्क लिस्ट में पास, नेट में पास, बोर्ड के रजिस्टर में पास, और फिर बोला जाता है इस आदमी फोन करने के 94196 04196 06382 ये नंबर है, इस नंबर से कॉल आती है बोर्ड से, इसको बुलाया जाता है और बोला जाता है आप फेल हो। तो इस बच्ची का नाम है अंजलि देवी, आशा मम्मी इसकी मम्मा का नाम है आशा देवी, इसके पापा का नाम है श्यामलाल, इसका रोल नंबर है 16000401। आप चेक कर सकते हैं आज भी ये नेट में पास आ रही है लड़की, तो किस तरह आप फेल कर सकते हैं? और मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो आपने टीम बनाई थी ऐसी टीम को डिसमिस कीजिए जो बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, और मोदी साहब का नाम लेकर स्कॉलरशिप के नाम से बुलाया गया, ये मोदी साहब के नाम की स्कीम बनाकर बच्चों को बोर्डों में बुलाया जाता है और बच्चों के साथ धोखे दिए जाते हैं।